अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो रिलीज कर ये कहा था कि सुशांत नेपोटिज्म का शिकार हुए थे और बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कैंप्स थे जो सुशांत को टारगेट कर रहे थे और उनके करियर को तबाह करना चाहते थे। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम 3 जुलाई को कंगना के खार जिमखाना के पास स्थित घर पहुंचे और वहां पर समन्स देने की कोशिश की, पर अमृता दत्त जो कि कंगना रनौत के लिए काम करती हैं, उनकी स्टाफर हैं, उन्होंने समन्स लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने यह भी रिक्वेस्ट की अमृता दत्त से कि वो किसी तरीके से कंगना का ईमेल आईडी या फोन नंबर दे ताकि उनको समन्स भेजे जा सके, पर अमृता दत्त ने इससे भी इनकार कर दिया। पुलिस टीम ने इसके बाद रंगोली चंदेल जो कि कंगना रनौत की बहन और मैनेजर हैं, उन्हें कांटेक्ट किया और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो कंगना रनौत से कहें कि वो आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी उन्हें पता है उससे मदद हो सके और ये पता लगाया जा सके कि सुशांत की मृत्यु आखिर क्यों हुई, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करनी पड़ी। एक ट्वीट के द्वारा रंगोली चंदेल की टीम ने ये बताया कि पुलिस टीम उन्हें समन्स न देकर उनसे 2 हफ्ते से बातचीत कर रही है और वो पूरे तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार हैं अगर उन्हें समन्स दिए जाते हैं तो। मुंबई पुलिस ने अब फ्रेश समन्स इशू करने का प्रोसेस शुरू किया है और बहुत ही जल्द ये समन्स इशू कर कंगना रनौत को स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा बांद्रा पुलिस स्टेशन में।